हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रोली। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचन में। आज मैं आपको एक ऐसी हेल्दी रेसिपी बनाना बताऊंगी ना, जिसको खाने के बाद आप मतलब इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे और आपको हमेशा बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये बनता भी बहुत जल्दी है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब दोपहर में चावल बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चावल तो बच ही जाता है। अगर शाम को आपका डिनर बनाने का ना मन करे ना, इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, और या फिर आप इसे स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये देखिए, चावल मेरा पहले से ही उबला हुआ है और मैं देसी घी में पहले काजू रोस्ट कर ले रही हूँ। आप अगर काजू नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं, या फिर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसी घी में मैं जीरे का तड़का लगा दी। जब जीरा तड़क जाए, इसमें अदरक और मिर्च का भी तड़का लगा देंगे। ये अदरक को मैं थोड़ा सा कद्दूकस कर ली हूँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। लहसुन इसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, और ये बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज है, उसे डाल देंगे। थोड़ी देर सौटे करेंगे। ये रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार इसे ऐसे बनाकर खा लेंगे ना, तो जब भी आपके किचन में चावल बचेगा ना, तो आप ये वाला मतलब ज़रूर रेसिपी ट्राई करना चाहेंगे। तो ये देखिए, जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई, तो मैं इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी आपको पूरा यहीं पर डालना है जिस क्वांटिटी में आप चावल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई गाजर डाल दे रही हूँ। देखिए, वेजेस तो आप अपने हिसाब से और अपने मनपसंद के हिसाब से, या जो आपके घर में अवेलेबल हो प्रेजेंट टाइम पे, उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं गाजर डाल दी, बीन्स डाल दी, और आप चाहें तो फूल गोभी भी डाल सकते हैं। तो अब बहुत लोग इसमें शिमला मिर्च भी डालते हैं, अगर आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो डाल सकते हैं। बस ये उबला हुआ चावल डाल दी। ये बासमती चावल है, लेकिन अगर आप मतलब जो अपने घर का रेगुलर चावल होता है, जो आप रोज़ बनाते हैं ना, उस चावल को भी बनाएंगे तो भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस चावल को डालकर अच्छे से भून लीजिए। मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट ही भूनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता है। तो इस स्टेज पर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। ये देख आप देख ही रहे हैं, इसमें बीन्स है, गाजर है, मतलब ये कितना हेल्दी बना हुआ है। और आपके पास अगर फूल गोभी हो, वो भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब अच्छे से 1.5 मिनट में भून ली, उसके बाद मैं देसी घी में भुना हुआ काजू डाल दी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। अगर आपने लेफ़्ट ओवर राइस यानी बची हुई यानी बासी चावल का अभी तक कुछ नहीं मतलब वैसे नहीं बना पाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, तो एक बार इस हेल्दी तरीके से बना कर देखिए वेजीज के साथ, जो बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। और खाने के बाद आपको नहीं लगेगा हमने क्या उटपटांग खा लिया, क्योंकि इसमें एकदम अच्छे से क्रंची वेजीज पड़ी हुई हैं, क्योंकि सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक पकाना भी नहीं है ताकि उनका क्रंच बना रहे। तो ये सुपर हेल्दी टेस्टी लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल पर टिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी को देख सकें। ये देखिए कितना ज़्यादा ये देखने में अच्छा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। फिर से मिलते हैं।